अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू जोहरा डेली ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं बना रही हूँ मैरिनेटेड चिकन, जो कि हम प्रिजर्व कर सकते हैं। आप इसकी क्वांटिटी डबल कर लें, मतलब मैं तो बहुत कम अमाउंट में बना रही हूँ। ये 2 से 3 दिन की इसकी शेल्फ लाइफ रह जाएगी इतने से चिकन की ना। अगर आप ज़्यादा बना के 2 से 3 किलो रख रहे हैं तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो बोनलेस चिकन है, चिकन की यानी कि चेस्ट का, इनको हमने चंक्स में काटा हुआ है नॉर्मल साइज़ का। ये 1 इंच का एक चंक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे कुक। जस्ट मैं कैप्शन में या साथ बोल बोल के इसकी जो इसमें चीज़ें डलेंगी वो मैं मेंशन करूँगी। फर्स्ट टाइम इस तरह का ब्लॉग होगा कि जिसमें मैं चीज़ें वीडियो में डिस्प्ले नहीं कर रही ना। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी मेकिंग में। घी मैंने गर्म कर लिया। सबसे पहले हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे और साथ में फिर इसके अंदर बाकी की जो स्पाइसेस जाएंगे वो ना, गार्लिक पेस्ट और चीज़ें वगैरह सारी इसके अंदर यूज़ होंगी। बट आप अपने इस रेसिपी को एक दफ़ा डेफिनेटली फॉलो करें। इसको बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को कहते हैं कि जी मैरिनेट करके रख दें फिर कुक कर लें, उससे ये होता है कि इसका जो टेंडर वाला स्ट्रक्चर है ना, वो जो जैसे हम कहते हैं ना चिकन जूसी नहीं बनता हमारा, अकड़ा अकड़ा सा सख्त है, खाया नहीं जाता, वो उस वजह से बनता है। जो मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन है उसको अगर आप कुक करके रखते हैं तो वो अकड़ जाएगा, क्योंकि वो फौरी खाने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे बोनलेस चिकन हमारा, ठीक है। इसको हम डाल रहे कुक नहीं करना, एक गार्लिक क्यूब। गार्लिक पेस्ट बनाने की भी मैंने रेसिपी बहुत ईजी थी अपने ना चैनल पे शेयर की हुई है, तो आप इसको डेफिनेटली देखें, आपको कुकिंग में बहुत ईजी हो जाएगा। इसको वाइट होने तक हमने हल्की आँच पे 2 से 3 सेकंड कुक करना है, ठीक है। वाइट होना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं अगर इसके अंदर शामिल करूँ तो मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक का, 1/2 टीस्पून का भी 1/2 हल्दी का, चिली फ्लेक्स इसके अंदर ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। ये मैंने 1 खाने का चम्मच डाला है ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी चिली पाउडर। अच्छा, बहुत सारे लोग सुना कि जो चिली पाउडर को स्किप कर देते हैं, बट 1/2 टीस्पून मैंने चिली पाउडर का डाला है। इसको मैं अच्छे तरीके से करूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे लेमन, या आपके पास विनी वाइट भी नहीं करे तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में से या आपने लोकल वेंडर से पिज़्ज़ा लेके अगर खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनका चिकन अंदर से वाइट होता है ऊपर से मैरिनेटेड होता है, वो इस तरीके से इसको बनाते हैं। अच्छा, इसमें आप वाइट विनीगर यूज़ कर लें, लेमन, मैं इसके अंदर लेमन स्क्वीज़ करूँगी, 1 पूरा खाने का चम्मच लेमन है, और अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ठीक है ना। वो इसलिए कि हम इसको होम स्पाइसेस के साथ बना रहे हैं तो ये चीज़ इसके लिए ज़रूरी है। वाइट वाइट आपको ज़रूर लगेगा, मगर टेस्ट के मामले में ही बिल्कुल आप समझ लें कि एकदम A1 है। फ्लेम थोड़ी सी हम फुल करेंगे और इसको 2 से 3 सेकंड कुक होने देंगे, जब तक हमारी ये ग्रेवी ड्राई हो जाए और ये मेल्ट होकर इसके साथ चिपक जाए ना। अच्छा, ये मेरा अदरक और हरी मिर्चें की हो गई, डिजॉल्व होना शुरू हो चुकी है। इसको बोनलेस को कभी भी ना कवर करके नहीं कुक करना चाहिए, वो इसलिए कि हार्ड हो जाता है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून चिली सॉस, या ये देखें 1 टीस्पून चिली सॉस का या हॉट सॉस का, आपके पास जो भी अवेलेबल है, चिली सॉस भी हो तो भी चलेगा। इसके अंदर सोया सॉस नहीं जाएगा क्योंकि हमने गार्लिक की काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अच्छी खासी अमाउंट यूज़ कर ली। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मिक्स हर्ब्स, ठीक है ना। 1/2 टीस्पून मैंने मिक्स हर्ब्स की डाली है। अब फ्लेम हम इसकी फुली रखेंगे और इस पॉइंट पे हम इसको अच्छे तरीके से ना ड्राई होने तक कुक करेंगे। इसको आप पिज़्ज़े के लिए, रोल पराठे के लिए, या आप उसको सैंडविचेस के लिए, थर्ड नंबर पे फ्राइड राइस के लिए, और फजीता, बेसिकली फजीता फ्लेवर रेडी हुआ है, ठीक है ना। ये फजीता फ्लेवर है जो हमारा रेगुलर हम पिज़्ज़ा में खाते हैं ना, ये वो फ्लेवर है। और सेकंड नंबर पे आप इसको ना मैक्रोनी के लिए, तीनों चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट, हाफ मैंने इसमें से यूज़ कर लेना किसी भी चीज़ के लिए, हाफ मैं इसको प्रिजर्व कर दूँगी फॉर 2 डेज या 1 डे। और ये देख लें, ऑयल बिल्कुल हमारा घी इसको ड्राई हो चुका है और मसाला बिल्कुल
लग गया है बोटियों को, और कलर भी आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है इसका। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। टेंडर होने का मैं आपको इसका चेक करवाती हूँ कि ये इस वक्त कितना टेंडर है। ये गर्म है फुल, इसको मैं चम्मच की मदद से आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कितना नरम है। ये बिल्कुल सख्त नहीं है, और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ मतलब घना यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको बना के रख लें, और हर रेसिपी में ये वाला चिकन आप इस तरीके से यूज़ कर लें। एक्सेस घी जो है वो हम इसका स्किप कर देंगे, वो आप निकाल के रख दें, किसी भी और चीज़ में यूज़ कर लें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।